तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ इंडिया के स्विट्जरलैंड को, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यानी कि आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ खजियार में। खजियार हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में डलहौजी के पास पड़ने वाला एक काफी सुंदर क्षेत्र है। तो आज मैं आपको पूरी यात्रा करवाने वाला हूँ डलहौजी से खजियार की, और साथ में ये एरिया दिखाने वाला हूँ। तो अंकल जी कितने हार्ड वर्किंग है, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहे लेकिन फिर भी ये कमा के खा रहे हैं। जो लोग ठीक ठाक होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं भाई, उनसे तो लाख गुना अच्छा कर रहे हैं ये तो। तो दोस्तों जो मैंने अभी ये वेयर किया है ये है डोगरी ट्रेडिशनल ड्रेस है ये। तो ये चेक करो भाई साहब नज़ारे, क्या ही नज़ारे हैं मतलब पहाड़ों के। और भाई देखो वहाँ नीचे हैं डलहौजी, वहाँ से आया हम। यहाँ पे आके कई बार होटल्स के रूम सारे बुक हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट रूम्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम टूरिस्ट बनी खेत में स्टे करते हैं। कबूतर कितना प्यारा, और ये बैठा है मेरे कंधे पे, और वहाँ पे आपको कैमरामैन बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन मैं अपने फ़ोन में शूट करूँगा। और पीछे की लोकेशन काफ़ी बढ़िया आती है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया आलू पराठा और साथ में पिकल और साथ में चाय आया। और यहाँ पे भाई एक लोकेशन है इतनी खतरनाक, मैं आपको वहाँ पीछे जाके दिखाता हूँ असली पहाड़ और पहाड़ों के नज़ारे एकदम से। भाई हमसे रहा नहीं गया, हमने गाड़ी साइड पे लगाई और यहाँ पे फोटो खिंचवाने रुक गए। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ का बेड है, काफ़ी बढ़िया और कंफर्टेबल मैट्रेस है। आपको फैसिलिटीज़ बहुत देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से ये रूम मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे आपको सोफ़ाज़ भी मिल जाते हैं तो बैठने के लिए, बाकी एक टेबल मिल जाता है, सिटिंग चेयर मिल जाती है। देखो आगे कितनी सारी टूरिस्ट टैक्सी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि खजियार एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है। और यहाँ पर आपको खरगोश वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप पिक्स ले सकते हो। यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी और 500 रुपीज़ चार्जेस है। मैं भी डॉग राइडिंग जम्मू से हूँ तो इसलिए मैंने वेयर किया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है मोहित राजपूत, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मोहित डोगरा व्लॉग्स। कैसे हो आप सभी, उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, हमने ट्रैवल किया जम्मू से डलहौजी हिमाचल प्रदेश तक। तो इस टाइम पे मैं हूँ हिमाचल प्रदेश के डलहौजी हिल स्टेशन पे, जो कि समुंदर तल से लगभग 6500 फीट के एल्टीट्यूड पे है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दिसंबर और जनवरी के महीने में बर्फ़बारी भी होती है। हमने जहाँ पे स्टे किया है ये प्रॉपर्टी है होटल रावी व्यू। रावी व्यू इसलिए क्योंकि यहाँ से सामने रंजीत सागर डैम दिखती है, जो कि रावी नदी से ही बनाई गई है। तो डलहौजी में आपको काफ़ी ज़्यादा होटल स्टे करने के लिए मिल जाएंगे, जगह जगह पे होटल्स हैं। इसके यहाँ से 7 किलोमीटर पीछे एक जगह पड़ती है जिसका नाम बनी खेत है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट स्टे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके कई बार होटल्स के रूम सारे बुक हो जाते हैं और ऑन द स्पॉट रूम्स नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैक्सिमम टूरिस्ट बनी खेत में स्टे करते हैं। यहाँ से जो व्यू है सामने का वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि हाइट पर है ये होटल। चलते हैं हम अपने रूम पर और दिखाता हूँ आपको कैसा रूम है यहाँ पर। तो दोस्तों ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट में हमने ऑर्डर किया आलू पराठा और साथ में पिकल और साथ में चाय। तो जल्दी से करते हैं और फिर चलते हैं बाहर घूमने। फिलहाल आपको रूम दिखा दूं, तो ये है 3-स्टार प्रॉपर्टी है ये, और ये कुछ इस तरह से यहाँ का बेड है, काफ़ी बढ़िया और कम्फर्टेबल मैट्रेस है, और कंबल भी अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे ऊपर एक घड़ी वड़ी लगी हुई है, अटैच्ड वाशरूम है। बाकी यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ बहुत देखने को मिल जाएंगी और काफ़ी अच्छे तरीके से ये रूम मेंटेन किया गया है। और यहाँ पे आपको सोफ़ाज़ भी मिल जाते हैं दो बैठने के लिए, बाकी एक टेबल मिल जाता है, सिटिंग चेयर मिल जाती है। ये देखिए बाहर आपको बैठने के लिए यहाँ लिविंग एरिया भी मिल जाएगा, और इधर साथ में ही अटैच टेरेस है। बाकी अगर आप सिंपल रूम्स लेना चाहते हो कम बजट में, तो आपको इस तरह से रूम भी मिल जाएंगे। ये देखिए ये एक कमरा है, यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ रेट शुरू हो जाता है 1500 से, और आपको इस तरह से रूम भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 2500-3000 की रेंज में रूम लेना चाहते हो तो आपको उस तरह के रूम भी मिल जाएंगे। तो बाकी चलिए फिर हम हो चुके हैं पूरे तैयार और निकलते हैं यहाँ से और एक्सप्लोर करते हैं डलहौजी की और लोकेशंस। फ़िलहाल हमने जाना है खजियार, खजियार यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पे है। फिर आगे जाके हम डिसाइड करेंगे कि हमने धर्मशाला जाना है या कहाँ। तो दोस्तों अभी हमने कर लिया होटल से चेकआउट और अभी हम जा रहे हैं भाई खजियार की तरफ। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से खजियार, पहले हम डलहौजी पे थोड़ा बहुत घूमेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, हमने जाना है धर्मशाला और अभी टाइम 12:45 का हो रहा है। तो ये था पीछे हमारा होटल रावी व्यू पॉइंट, और चलिए फिर चलते हैं खजियार की तरफ और थोड़ा डलहौजी घूमते हैं, काफ़ी ठंडी लोकेशन है।
दोस्तों जो खजियार को रास्ता जाता है डलहौजी से, थोड़ा कंजस्टेड रास्ता है, तो यहाँ पे ड्राइव काफ़ी सेफली करनी पड़ती है। तो देखो आगे कितने सारी टूरिस्ट टैक्सी गाड़ियाँ चल रही हैं, क्योंकि खजियार एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन है, और जो डलहौजी आते हैं टूरिस्ट वो खजियार जरूर जाते हैं भाई साहब। स्नो कटर मशीन, यहाँ पे जब स्नो ज़्यादा पड़ जाती है तो इसका यूज़ होता है। तो दोस्तों अभी हम अपने होटल रूम से लगभग 6 से 7 किलोमीटर ऊपर आए हैं, और यहाँ पे भाई एक लोकेशन है इतनी ख़तरनाक, मैं आपको वहाँ पीछे जाके दिखाता हूँ असली पहाड़ और पहाड़ों के नज़ारे एकदम से। भाई हमसे रहा नहीं गया, हमने गाड़ी साइड पर लगाई और यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने रुक गए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इतनी ख़तरनाक लोकेशन है, क्या ही बोले, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये चेक करो भाई साहब नज़ारे, क्या ही नज़ारे हैं मतलब पहाड़ों के। और भाई देखो वहाँ नीचे हैं डलहौजी, वहाँ से आए हम, और जैसे जैसे हम जा रहे हैं, जैसे जैसे हम खजियार की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। और देखिए भाई साहब ये देखो हिमाचल में पहाड़ों में यहाँ छोटे छोटे खेत होते हैं, और सामने का नज़ारा देखिए, वो जो रोड है वहाँ से भी होते हुए हम आए हैं, क्या खूबसूरत नज़ारा है। बाकी नीचे भी घूमने वाली जगह है, हमने पहले डिसाइड किया कि हम पहले खजियार की तरफ जाएंगे, वहाँ से आते टाइम घूमेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह से फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवा सकते हो, ये देखिए कबूतर कितना प्यारा, और ये बैठा है मेरे कंधे पे, और वहाँ पे आपको कैमरामैन बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं अपने फ़ोन में ही शूट करूँगा। और पीछे की लोकेशन काफ़ी बढ़िया आती है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने भी सोचा क्यों ना इस प्यारे से कबूतर के साथ एक पिक ली जाए। वाइट कलर का कबूतर है, और यहाँ पे आपको खरगोश वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, उनके साथ भी आप पिक्स ले सकते हो। तो चलिए फिर फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे, और रवाना होते हैं खजियार की तरफ। दोस्तों ये जो जगह है आप सामने देख सकते हो, ये जंगली एरिया है थोड़ा, इसको बोलते हैं भाई काला टोप। और काला टोप अभी तो हम फिलहाल नहीं गए, आते टाइम सोचेंगे। और यहाँ पे भाई अगर आप जंगल में एडवेंचर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी यहाँ पे लगती है 100 रुपीस फीस अगर आपने आगे की तरफ जाना हो तो, पर्ची कटेगी आपकी 100 रुपीस की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। और देखिए भाई क्या खूबसूरत आलीशान लोकेशन है, और यहाँ पे रोड काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड है। तो चलिए फिर चलते हैं, 12 किलोमीटर है यहाँ से खजियार। टूरिस्ट बहुत आए हैं आज यहाँ पे घूमने के लिए, और यहाँ पे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी शायद। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:30 बजे का, और अभी हमने गाड़ी पीछे पार्क कर दी है और हम पहुँच चुके हैं खजियार, और ये है खजियार जगह। और वहाँ पे आगे पार्किंग वगैरह भी है, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं इसलिए गाड़ियाँ रोड के साइड पे ही पार्क करने पड़ रही हैं। बाकी ये यहाँ की जो एल्टीट्यूड है समुंदर तल से, वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोर्ड दिखाया, 2050 मीटर की हाइट पे है ये जगह, यानी कि लगभग 6500 फीट की हाइट पर है। और यहाँ पर स्नो ट्रीज ही देखने को मिलेंगे आपको ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर स्नो पड़ती है, बर्फबारी होती है यहाँ पर। दोस्तों जीजू जी से पूछेंगे कि ये भोलेनाथ के भक्त हैं और ये ब्रह्मोर वगैरह ब्रह्मोर जाते रहते हैं, जीजू यहाँ पे लिखा है ब्रह्मोर 90।
वहाँ से 100 किलोमीटर है बरमोर। अच्छा, और फिर मनीमहेश? फिर मनीमहेश। यहाँ आए आप कभी पहले? यहाँ पे पहले विजिट किया था, 5-6 साल पहले आया था। तो अभी का और पहले में क्या बदलाव है? अभी तो मुझे थोड़ी गर्मी फील हो रही है। उस टाइम क्या है, टूरिज्म कम आते थे, अभी क्या है, हॉलीडे टाइम, यहाँ पे काफ़ी टूरिज्म मिलेंगे। तो दोस्तों ये है फाइनल लोकेशन खजियार की। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैदान से हैं, पहाड़ों के बीच एकदम से, काफ़ी सुंदर लोकेशन है भाई। और देखो यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट आए हैं, हम वहाँ जाएंगे एंड तक भाई, लास्ट तक जाएंगे हम। और देखो कितनी सुंदर लोकेशन है, क्या लोकेशन है, मतलब दिल खुश हो गया। तो यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है आपको बता दूँ। तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा पानी भी स्टोर किया गया है, लेक टाइप बनाई गई है, और बोटिंग वगैरह भी होती है बीच में। बाकी यहाँ पे आपको होम स्टेज वगैरह मिल जाएंगे, होटल्स वगैरह मिल जाएंगे, और काफ़ी सुंदर भाई मैदान है, मज़ा ही आ गया। और ये जो दौलादार हिल्स देख रहे हो आप, काफ़ी सुंदर लग रही हैं, और इस जगह को 4 चांद लगा रही हैं। तो दोस्तों बात कर लें टेम्परेचर की, तो भाई साहब बेशक हम हिमाचल प्रदेश में हैं, लेकिन इस बार की गर्मी आपको पता ही है। यहाँ पे भी आज करंटली टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है, और वैसे तो ठंडी हवा चल रही है इसलिए फील नहीं हो रहा है, बाकी ऐसे तीखी वाली धूप पड़ रही है। लेकिन रात को यहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाता है, जैसे हम रात को डलहौजी में थे, वहाँ पे टेम्परेचर 18 से 19 डिग्री के बीच में हो गया था। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चना चाट बनवाया अंकल से, 50 रुपये की प्लेट है ये, लेकिन टेस्टी काफ़ी है भाई। और देखो खाने का तरीका, स्पून की जगह इन्होंने पत्ता दिया हुआ है, इस पत्ते से खाएंगे। तो यहाँ पे पत्ता काम करता है स्पून का, बाकी खाते हैं इसको। तो यहाँ पे आपको हॉर्स राइडिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी, और 500 रुपीज़ चार्जेस हैं जिसमें ये आपको खजियार का टूर लगाएंगे। और देखिए कितने किस्म के घोड़े हैं यहाँ पे, तो हॉर्स राइडिंग अगर आप कभी करना चाहो तो कर सकते हो भाई साहब। दो नन्हे मुन्ने बच्चे कर रहे हैं। जगह तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, दौलादार पर्वत के बीच में बसी हुई जगह है ये। अभी हमने यहाँ पे 1 घंटा घूमा, वैसे प्लेन ग्राउंड है ओनली, यहाँ पे कोई ऐसे इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि पहाड़ों के बीच में जगह है और यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो इसलिए काफ़ी सुंदर जगह भी है। तो हम अभी घूमेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत, उसके बाद हम शायद धर्मशाला वाली साइड जाएँ। वहाँ पे धर्मशाला वाली साइड है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बाकी डलहौजी में भी अभी हमने थोड़ा घूमना है, तो उसके बाद चलिए फिर यहाँ पे खाना पानी करते हैं, थोड़ा बहुत घूमेंगे, पूरा चक्कर लगाएंगे, फिर चलते हैं धर्मशाला की ओर। तो दोस्तों यहाँ साइड साइड पे ट्रैक बना हुआ है, और इस ट्रैक पे आप पूरा चक्कर लगा सकते हो खजियार का। तो दोस्तों जो मैंने अभी ये वेयर किया है, ये है डोगरी ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, जो हम डोगरास, जो जम्मू और हिमाचल के डोगरास हैं वो ये पहनते हैं। तो आज मैंने भी वेयर किया, मैंने कभी डाला नहीं पहले ज़िंदगी में, तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में आके डाला। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी मैं भी डोगरा ही हूँ, जम्मू से हूँ, तो इसलिए मैंने वेयर किया है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे आप अगर कभी यहाँ आओ तो ये ड्रेस डाल के फ़ोटोज़ ले सकते हो, 100 रुपीज़ चार्जेज हैं पर ड्रेस के। तो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है, और ये देखिए हमारा ड्रेस। तो अभी मैं इसको खोलने लगा हूँ। तो दोस्तों ये है सामने फॉरेस्ट रेंज हाउस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेंज हाउस है ये। मेरे फादर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी लगाव है मुझे भी। बाकी ये था कुछ इस तरह से खजियार। तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, आई लव खजियार, और ये देखिए पीछे की लोकेशन। बाकी यहाँ पे आप फोटोज़ ले सकते हो, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। तो दोस्तों अभी हम बहुत घूम लिए खजियार, टाइम हो रहा है लगभग
टाइम हो रहा है लगभग 4:45 का, तो अभी निकलते हैं यहाँ से और डलहौजी में अगर कोई लोकेशन हमें अच्छी मिली वहाँ घूमेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाना है और फिर नेक्स्ट व्लॉग शुरू करता हूँ। तो ये व्लॉग मैं एंड करूँगा डलहौजी में। तो दोस्तों यहाँ पे है नीचे DPS स्कूल, डलहौजी पब्लिक स्कूल, और ये एक बोर्डिंग स्कूल है, बच्चे यहीं पे रहते हैं और काफ़ी सुंदर लोकेशन पे है। और देखिए कितना कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों खजियार यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे है और हम पहले जाते टाइम खजियार की तरफ गए थे, हमने सोचा था आते टाइम रुकेंगे। आप देखिए आप आते टाइम हम यहाँ पे रुके हैं, शाम का टाइम है और काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं सेल्फीज वगैरह लेने के लिए और हम भी ले रहे हैं भाई साहब। और ये देखिए यहाँ पे एक टैंक भी है आर्मी का और काफ़ी अच्छी लोकेशन है भाई साहब, दिल खुश हो जाता है ऐसी जगह पे। यहाँ पे एक DPS स्कूल है। दोस्तों ये वाला ब्लॉग करता हूँ यहीं पे खत्म, तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो बनाए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।